नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह दिसलसा चैनल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलते चलते आपको बताता हूँ कि 8 नवंबर को प्रबोधिनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी, देवोठानी एकादशी या देवोत्थापन एकादशी मनाई जा रही है। इस एकादशी का समय आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये एकादशी तिथि शुरू होगी 9:55 पर नवंबर 7, 2019 को और एकादशी तिथि का एंड या ख़त्म होगी 12:24 PM पर नवंबर 8, 2019 अर्थात दोपहर। 8 नवंबर को ही प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाएगी, देवोत्थान एकादशी का पारण द्वादशी के दिन 9 नवंबर 2019 को मनाया जाएगा, जो कि पारण टाइम जो कि है हमारा 7:01 से 9:15 पर है। और द्वादशी के दिन पारण ख़त्म होने का अंतिम समय या द्वादशी एंड होने का ख़त्म अंतिम समय 2:39 PM है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समय सही से ज्ञात हो गया होगा। तो अपने समय का सही उपयोग करते समय पारण उपयुक्त समय पर कर लें, देवोत्थान एकादशी का पारण उपयुक्त समय पर कर लें। देवोत्थान एकादशी को किस प्रकार से मनाएं, उसकी कथा क्या है, उसका उद्यापन की विधि क्या है, उसको हम किस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से मना सकते हैं और अन्य एकादशी को हम किस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से मनाते हैं, इसके अतिरिक्त तुलसी विवाह किस प्रकार किया जाता है, तुलसी विवाह की रीति क्या है, उसके पीछे की कथा क्या है, उसको हम शास्त्रोक्त विधि से किस प्रकार बनाते हैं और भीष्म पंचक व्रत का प्रादुर्भाव, उसकी कथा, उसका महात्म्य किस प्रकार है, इन सभी वीडियोस को मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में बता रखा है। कृपया नीचे लिखे हुए लिंक्स पर ध्यान दीजिए और ऊपर आई का आइकॉन आता है जिसमें मैं बीच बीच में आपको कार्ड्स, डिफरेंट कार्ड्स जो हैं यूट्यूब कार्ड्स हैं, उनके माध्यम से अनेक अपने अन्य एपिसोड्स के बारे में बताता हूँ। और इस वीडियो के अंत पर और पिछले सारे वीडियोस के अंत पर मैं आपको अपने अन्य प्लेलिस्ट जिसमें हमारे सारे वीडियोस के बारे में वर्णन है बताता हूँ। कृपया करके उन सभी वीडियोस को एक बार देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे लिए अपने इस परिवार को बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार की वृद्धि के लिए आपस में बातचीत ज़रूरी है, इसलिए लाइक, कमेंट, शेयर तो ज़रूरी बनता है। और सब्सक्रिप्शन से आपको सारे वीडियोस और आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी अत्यधिक रूप से मिलती रहती है, सर्वप्रथम प्राप्त हो जाती है। इसलिए कृपया अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए, अपने सहयोग को बनाए रखने के लिए, हमें और हमारे दिशा चैनल को बढ़ाने के लिए अत्यधिक रूप से, अधिक से अधिक रूप से और ज़बरदस्त रूप से सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि मैं इस चैनल में नए और नए अनेक विषयों पर वीडियोस बनाता रहूं। धीरे धीरे इसको मैं चेंज करता जा रहा हूं, धीरे धीरे उसमें बात करने का तरीका, धीरे धीरे इसमें विज्ञान से और आध्यात्म से, विज्ञान आध्यात्म से, पुराणों से जो बातें हमने कही हैं उनका मिलाप एक जगह पर एक पॉइंट पे लाके करने की कोशिश करता हूं, ये बताने की कोशिश करता हूं, यह शोध करने की कोशिश करता हूं कि आज के युग में पुरानी मान्यताओं की क्या वास्तविकता है, पुरानी क्या मान्यताएं हमारे जीवन में आज भी उतनी ही ज़रूरी हैं या होनी चाहिए, या नई मान्यताएं हमें बना लेनी चाहिए। इसी के साथ फिर से मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्वास्थ्य।